चनियोर शहर तारीखी लिहाज से पाकिस्तान का एक छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के असल नवाब हैं चनियोटी शेख मन्नू मग्गू सहगल। आप उमर हयात महल में आए हैं, यहाँ 350 साल पुरानी शाही मस्जिद का विजिट करेंगे, कभी चनियोट की तंग गलियों में भी जाएं। ये जो पुराने मकान हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, एक्चुअली महल ही हैं। यहाँ पे एक मोहल्ला कलकत्ती है, उसके सारे रहने वाले कलकत्ता में बिजनेस करते थे। उमर हयात भी उन्हीं में से एक था जिसका बिजनेस कलकत्ता। हवाले के तौर पर बताता चलूँ कि 2 रुपये ट्रेन का किराया होता था यहाँ से कलकत्ता जाने को, यहाँ से लाहौर, लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता बांग्लादेश के करीब। उमर हयात का बिज़नेस कलकत्ता में था, वहाँ से उसने दौलत कमाई, पिंडी भटिया में शादी की, उसके यहाँ बेटा और बेटी हुए, तो उसके रहन सहन के लिए उसने 14 मरले पे 5 मंजिला महल बनवाया। कुछ यहाँ देर पा नहीं रही, महल बनवाने के 5 साल बाद वफात पा गए। नज़दीक कब्रस्तान है, वहाँ दफन है। ट्रेजेडी ये हुई, दुख भरा मामला था कि उनका एक बेटा था, बड़ी धूमधाम से शादी की। वो शादी के अगले दिन अपने वलीमे वाले दिन यहाँ के बाथरूम में नहाने गए, अल्लाह ही जानते हैं क्या हुआ। जो बात मशहूर है कि वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी, वो गैस उस बाथरूम में फैली तो उनके अकलौते बेटे गुलजार की दम घुटने से मौत वाकया हुई। खुशियों का माहौल गम में बदल गया। उसकी माँ ने कहा जहाँ जिंदा नहीं रहे मर के तो रहें, अपने बेटे गुलजार को ये महल के सेन में दफन करवा दें। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी चल बसे, उन्हें पहलू में दफन कर दिया। हाँ जी, तो महलों में रहने वालों ज़रा इस बात पे भी सोच लो, मैं इस वक्त उमर हयात की महल में चिनोट में खड़ा हूँ। ये महल उसने अपने रहने के लिए, अपनी आसाइश के लिए बनवाया था, बाद में उसका मज़ार इसी महल में बन गया। घर तो ना बन सका, लेकिन जो उसका मकबरा बन गया, उसका मज़ार बन गया। हाँ जी, तो ये पुराने दौर का फ्लश सिस्टम है, पुराने दौर का फ्लश सिस्टम है। जी, तो अभी हम उमर हयात का महल चिनियोट से देखकर निकले हैं और अब हम वापस जा रहे हैं सरगोधा की तरफ, और रास्ते में 2 जगह रुकेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। जी जनाब, तो खाने के लिए आए हैं इस वक्त होटल में और थोड़ी सा भूख लगी है। जुबैर भाई, भूख लगी है? जी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई है। और छोटा जोगी, छोटा जोगी 4 जूस पी चुका है पिछले 1 घंटे के अंदर। भूख लगी है? भूख लगी है। हाँ जी, कहानी कुछ ऐसे है कि अभी हम उमर हयात का महल जो है वो देखकर निकले हैं और उसके बाद हमने खाना खाया पूरे 1 घंटे में। 1 घंटा लगा, खाना बड़ा ज़बरदस्त था। ये शरीफ होटल है चिनियोट के अंदर, बेस्ट फूड, ज़बरदस्त।